अस्सलाम वालेकुम। आज चलो बना लेते हैं सीख कबाब, वो भी तावे पे। बहुत ही टेस्टी और जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मटन ले लेना है। ये है मटन का कीमा। आप इसे बहुत अच्छे से बारीक पिसा लीजिए। मशीन का नहीं होगा तो भी चलेगा, और अगर होगा तो भी चलेगा। थोड़े बहुत चंकी पार्टिकल्स रहना चाहिए। मैंने तो ले के कीमा उसे थोड़ा ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी। यहाँ पर कुछ मसाले लेंगे। ये खास मसाले हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया। ये दोनों कूट करके यानी क्रश करके ही यूज़ करना है। और ये है पाउडर में यानी बड़ी इलायची, काली मिर्च और शाहजीरा। ये तीन को बहुत अच्छा बारीक पाउडर बना लेना है मिक्स करके। कूटना नहीं है इसको, दो चीज़ कुटी हुई लेना है और एक को पाउडर की तरह लेना है। यही मसाले हम यूज़ करेंगे। साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ करेंगे। ये भी देखिए दरदरा सा मैंने पीसी हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है। हरी धनिया और पुदीना ले लेना है। दोनों की क्वांटिटी मैंने इक्वल रखी हूँ। बहुत अच्छे से बारीक कट कर लीजिए। अब इसे भी उसी मटन में ऐड कर देंगे। साथ ही सारे मसाले जो हमने अभी तीन देखे थे उसे भी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। ये जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके ऐड करना। अजवाइन का यूज़ करेंगे हम बहुत ही कम अमाउंट में। देखिए आधा चम्मच मैंने यूज़ करी हूँ और उतना ही गरम मसाले। बस नाम भर के ये दोनों चीज़ ऐड करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से ऐड कर दीजिए। नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये है कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर नहीं है, कश्मीरी मिर्च है थोड़ा सा कलर के लिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूंदना है। जी हाँ, क्योंकि उसी से अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैंने यूज़ करी हूँ मेयोनीज़। ये भी एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, इस वजह से एक चम्मच मेयोनीज़ ऐड कर दीजिए। और एक चीज़, जो आप कीमा लेंगे उसमें 20% चर्बी होना ज़रूरी है। चर्बी होने से ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और अच्छा शेप भी बनेगा। तो इस वजह से 20% हो सके तो चर्बी वाला गोश्त लीजिए और उसे ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ भी ऐड करी हूँ। अगर थोड़ा बहुत कसर रह भी गई हो तो वो भी परफेक्ट हो जाएगी मेयोनीज़ ऐड करने से। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। इस तरीके से टेक्सचर रहना बहुत ज़रूरी है, बारीक और अच्छे से एक दूसरे में मिला हुआ, टूटे हुए नहीं बनना चाहिए, यानी कीमा जैसा नहीं हो। थोड़ा सा पानी लेंगे और उससे शेप देंगे। ऑयल से शेप नहीं दिया जाता है इसे। तो पैन ले लीजिए या तो फिर जो सीख आती है लोखंड की जिसमें नॉर्मली बनाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर हो तो। अब शेप देंगे। बस इसमें ये होगा, जब आप स्ट्रीवर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे साइज़ इंक्रीज़ यानी बड़ी बनेगी सीख की, और अगर आप पैन का यूज़ करेंगे तो साइज़ थोड़ी छोटी बन जाएगी। क्योंकि थोड़े देर बाद ही ना, मतलब जब आप इसे फ्राई करेंगे फिर ये श्रिंक हो जाता है इस वजह से। देखिए सारे को ऐसे ही शेप दे देना है और एक बार हाथों से इस तरीके से कर लेंगे तो क्या होगा, इधर उधर छोटा बड़ा जो भी रहेगा वो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। यानी एक बार पाम के हेल्प से उसे रब कर दीजिए और अब कर लेंगे इसे सर्व। देखिए अच्छे से मैंने पूरा पहले ही बना के रख ली हूँ। और भी है मिक्सचर, पहले इतने को ही फ्राई करना है मुझे। ऑयल ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऑयल ऐड करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिए और ऐड करते जाइए। देखिए तुरंत ही नहीं पलटना होता है हमें, पहले पूरा ऐड कर लीजिए, उसके बाद चेक करेंगे। जब गोल्डन टर्न हो जाएगा तभी फ्लिप करना है। ऐसा नहीं कि आधा हो गया है और आप फ्लिप कर दो। ऑयल भी अपने हिसाब से आप ऐड करते जाना जब आपको लगे कम हो गया हो तो। देखिए अच्छे से पूरा परफेक्ट हो रहा है ना, बस इसी तरीके से फ्लिप करते हुए आगे पीछे करना है। सारे को परफेक्ट शेप दे देना है, गोल्डन टर्न कर लेना है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी रेसिपीज़ जो है परफेक्ट बने। तो चलिए बाजी मटन बनाने की रेसिपी, ये आप लोगों ने सच में कभी नहीं खाए होंगे तो इसे ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले हरी धनिया और पुदीने ले लेना है। यहाँ पर पुदीने की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना है हमें हरी धनिया के हिसाब से। एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लहसुन ऐड कर देना है, अदरक ले लीजिए, हरी मिर्च ऐड कर देना है। हरी मिर्च हमें हाफ क्वांटिटी अभी ऐड करना है और हाफ दूसरे मसाले में हम ब्लेंड करेंगे। एक टीस्पून ज़ीरा ले लीजिए और 5 से 7 काली मिर्च के दाने। अब इसे ब्लेंड करने के लिए साइड में रख देना है हमें। और दूसरा ब्लेंडर भी ले लीजिए, उसमें हम काजू ऐड कर देंगे और दूध के ऊपर जो जमी मलाई होती है उसे ऐड कर देना है थोड़े से दूध के साथ। और जो बच गया है
हरी मिर्च यानी जो हमने निकाले थे उसे ऐड कर दीजिए। ये दोनों का हमें पेस्ट बना लेना है ब्लेंड करके। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं यूज़ करेंगे हम। इस तरीके से थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाना है ग्रीन वाले का, और जो लाइट ग्रीन में है काजू का पेस्ट इसे पूरा फाइनली ब्लेंड करना है हमें। यहाँ पर 1 किलो मटन ले लेना है हमें, और इसे धो के पहले ही छन्नी में रख दीजिए ताकि पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाए। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हमें मटन ऐड कर देना है। 1/2 कप बीट किया हुआ दही ऐड कर देना है हमें, और जो ब्लेंड किए थे पेस्ट ग्रीन वाला उसे ऐड कर दीजिए। नमक ऐड कर देना है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 बटर ऐड कर देंगे, मैंने 1 क्यूब बटर इसमें ऐड करी हूँ, और ऑयल ऐड कर दीजिए। अब इसे मिक्स कर देना है, और पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे, ऐसे ही प्रेशर लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा हो तो आप 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही टेंडर हो जाए, गल जाए, हमें प्रेशर रिलीज़ कर देना है और जितना भी ड्राई आउट कर लेना है पानी को। तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी हूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं, यानी प्रेशर कुकर में। जो हमने ग्रीन वाला मसाला बनाए थे ना लाइट ग्रीन, उसे ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी और थोड़ा सा कलर, ग्रीन कलर ऐड कर देना है। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से कोट कर लेना है, और गैस की फ्लेम को मीडियम रख के हमें इसमें पानी ड्राई करते जाना है। ये देखिए पानी ड्राई होने लगा है, मतलब पूरे जो जितने भी पीसेस है उसमें कोट हो गया है, रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जब हो जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद हमें इसमें एक और एक स्टेप करना है। ये स्टेप ऑप्शनल है पर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके बाद, यानी स्मोकी फ्लेवर देना है। एक कटोरे में ऑयल रख के हमें प्लेस कर देना है मिडल में, और उसके बाद चाकोल को हीट करके ढक दीजिए। 10 से 15 मिनट ढके रहने देना है, और उसके बाद इसे रिमूव करके आप इसे सर्व करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा ये। तो होप कि आपको पसंद आए काजी मटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर करिए, और मटन बोटी मसाला जो स्वाद बढ़ा डाला, ये आप कहोगे ये टेस्टी रेसिपी खाने के बाद। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मटन ले लेना है हमें, या आप जितना भी यूज़ करना चाहते हो पीसेस बना लीजिए बोटी की तरह। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और कच्चे पपैया को ब्लेंड करके इसका पेस्ट बनाई हूँ। तो इसी तरीके से कच्चा पपीता अच्छा टेंडराइज़र होता है, मीट टेंडराइज़र, तो इसे आप ज़रूर ऐड करिए इसमें। दही ऐड कर देना है 1/2 कप के करीब, ब्लेंड किया हुआ, बीट किया हुआ यानी पाउडर मसाले में हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैंने 1/1 टीस्पून ली हूँ, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इसी के साथ 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर लेना है हमें। अब हमें मिला लेना है ये सारी चीज़ों को। मिलाने के बाद आप इसे मैरिनेट करने ज़्यादा टाइम रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, यानी 4 से 5 घंटे मैंने इसे मैरिनेट की थी। अब ये आपके ऊपर है आपके पास कितना टाइम है। प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर दीजिए, और मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देना है। हरी धनिया और पुदीने को कट करके ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करके इसे मिक्स कर दीजिए। अब हमने इसमें मीट टेंडराइज़र ऐड करे हैं, तो आप बिना प्रेशर कुकर के भी इसे बना सकते हैं, यानी कढ़ाई में। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसकी एक प्रेशर लगा दी हूँ। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो आप ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। काजू, हरी मिर्च मैंने 3 यूज़ करी हूँ क्योंकि हमने पहले भी ब्लेंड करके ऐड करे हैं। 3 प्याज को मैंने अच्छे से फ्लाइनी ब्लेंड करके फ्राई करी हूँ। इसी तरीके से फ्राई आपको भी करना है। मीडियम साइज़ के प्याज को लेना है हमें। छोटी इलायची 5 और जावित्री, थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लीजिए, पहले बिना पानी के, उसके बाद पानी के साथ। इस तरीके से मिक्सचर बनके हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो यहाँ पर एक प्रेशर आने के बाद मैंने इसे ओपन कर ली हूँ। इसका पूरा पानी ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाए थे उसे ऐड कर देना है, और 2 फूल ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास ये वाला फूल हो तो, और अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा पानी भी मिक्सिंग जार में करके हमें इसमें ऐड कर देना है, और मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और बिना प्रेशर लगाए बस लो फ्लेम पर इसे थोड़ा देर पका लीजिए। जैसे ही ये पकते रहेगा ना, इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया, यानी परफेक्टली हमारा मटन मसाला बोटी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर।
अगर आप इसमें ग्रेवी चाहें तो और पानी लगा दीजिए, पर नॉर्मली ये ऐसे ही बनता है। हरी धनिया गार्निश कर देना है हमें और इसे सर्व कर देना है। होप कि आपको पसंद आए। चैनल पे विजिट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करें, बिना ना जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। है तुर्किश कबाब जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है हम नॉर्मल कबाब से जो बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आप लोग जो भी कहते हो, जितने भी रिक्वेस्ट करते हो, मैं फटाफट से आप लोगों के लिए अपलोड करते रहती हूँ। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि मुझे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए तब हम अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और हाँ, बेल आइकन दबा के ऑल पर ज़रूर क्लिक करिए। सबसे पहले हमें धनिया ले लेना है, हरी धनिया एक मुट्ठी के करीब। इसी के साथ लहसुन ले लीजिए, पर छिलके यूज़ करना है, यानी छिलका निकाल करके। प्याज ले लेंगे ऑमलेट चॉप करके, और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, पर यहाँ पर हमें बीज जो है उसे निकाल करके यूज़ करना है, यानी खाली छिलके को। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है, आप लोग इसे रिमूव कर लीजिए, चाहे पानी में थोड़ा देर रख के या तो फिर इस तरीके से कट करके। जितनी मिर्ची आपको तीखा मतलब पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। और अब हमें इसे ब्लेंड कर लेना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है ये सारे प्रोसेस में। इस तरीके से दरदरा सा पीसने के बाद हमें इसमें कीमा ऐड करना है, पर यहाँ पर मैंने कीमे को 2 घंटे पहले ही धो करके इस तरीके से रख दी थी ताकि सारा पानी जो है निकल जाए। अगर आपके पास टाइम ना हो या थोड़ा बहुत पानी लग रहा हो तो उसे स्क्वीज़ कर लीजिए, यानी निचोड़ लीजिए, पर पानी इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से बारीक पीसना है, जितना आप बारीक पीसोगे उतना ये अच्छा फ्लेवर देगा। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी पार्ट्स इसमें नहीं है कीमे का। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे नमक, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, गरम मसाला नहीं, ज़ीरा पाउडर। इसी के साथ काली मिर्च ऐड कर देंगे और ऑर्गेनो, ऑर्गेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करिए, नहीं तो आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमें धनिया भी ऐड करना है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। धनिया का पाउडर भी 1 टीस्पून ही ऐड करी हूँ मैं। मिक्स करने के बाद ये देखिए, इस तरीके से कुछ टेक्सचर हो जाएगा। अब इसे मैरिनेट होने रख देना है हमें आधे घंटे तक, उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। मैरिनेट होने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले ली हूँ, और नॉर्मली ये कबाब 10 इंच का होता है, पर हम इसे घर में बना रहे हैं, ईजीली बन जाएगा उस हिसाब से, यानी फ्लेवर वही होगा पर खाली थोड़ा सा छोटा होगा। ये स्टिक ले लेना है और इस तरीके से हमें शेप दे देना है, पर ज़्यादा पोर्शन नहीं लेना है, नहीं तो वो हर साइड से कच्चा भी हो सकता है। इस वजह से थोड़े पोर्शन लेके हमें इसे शेप दे देना है, और इसका शेप कुछ इस तरीके से दिया जाता है, यानी टेक्निक ये है। ये आप देख सकते हो, इसका शेप देने के बाद हमें सारे कबाब को इसी तरीके से रेडी कर लेना है, और पहले ही रेडी करके पहले ही आप रेडी करके रख लेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, आपको फटाफट सारे प्रोसेस करने में इजी होगा आप लोगों को। यहाँ पर आप टेक्निक बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। सारे प्रोसेस करने के बाद हमें एक कंटेनर में ऑयल हीट कर लेना है, और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। स्प्रेड कर दीजिए ऑयल को, और गैस की फ्लेम पहले हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम के बाद हमें इसे प्लेस कर देना है जब ऑयल हीट हो जाए उसके बाद। और आपको जैसे कि मैंने कहा, ये पूरे प्रोसेस में हमें पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है, मतलब अगर आप पानी का इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इस टाइम पे आपके सारे कबाब के शेप ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से पहले ही पानी निकाल लीजिए, स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है, और इसे फ्लिप करते हुए ही पकाना है ताकि दोनों साइड से इजीली हो जाए। हमने काफ़ी कम पोर्शन लेके इसका शेप दिए हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में। जब डिज़ायर कलर इस तरीके से आ जाए उसके बाद हमें निकालते जाना है और सेकेंड बैच को ऐड कर देना है। अब हम सैलेड बना लेते हैं। तो सैलेड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक है। सबसे पहले हमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया, ये सारी चीज़ों को कट कर लेना है। उसके बाद लेना है अनार दाना, या तो फिर अनार का पाउडर इसमें नॉर्मली यूज़ होता है, पर जो हमें ईजिली मिल जाए मैं वो ऐड करके वही फ्लेवर लाना चाहती हूँ। लेमन ऐड कर देना है, नमक और लाल मिर्च। अब ये तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद भी मिक्स कर दीजिए, हमारा सैलेड बनकर तैयार है।
यहाँ पर हम स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद जला हुआ कोयला ऐड कर देना है और इसे कवर कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। तब तक हम प्रिपरेशन कर लेते हैं सर्विंग की। इस तरीके से आप लोग भी सर्व करिए, अलग दिखेगा भी और खाने में तो ये बहुत ही डिफरेंट है ही। होप कि आपको पसंद आए। और हाँ, आप इसके साथ हरी चटनी बनाकर भी सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने भी उसी के साथ सर्व करी हूँ और ये सैलेड भी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।